नमस्कार, मैं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह जिला देश के उन शहरों में शामिल था जो सबसे गर्म चल रहे हैं। टॉप 5 में दमोह जिला भी शामिल था। देश में 5वें स्थान पर दमोह जिला था। लोगों का गर्मी से हाल बेहाल था। लगातार सूर्यदेव अपने तेज से लोगों को जला रहे थे। इस बीच आज इंद्रदेव ने विशेष कृपा की और दमोह में झमाझम बारिश हुई। लगभग आधा घंटे तक ये बारिश का क्रम चलता रहा। तेज हवाएं चलती रहीं, आंधी तूफान के बीच ओले भी गिरे, वहीं जमकर बारिश हुई। बारिश से कुछ राहत तो हुई, लेकिन बारिश से नुकसान भी काफ़ी अधिक हुआ है। अनेक स्थानों पर बताया जाता है तेज़ आंधी तूफान की वजह से पेड़ गिरे हैं, वहीं ओले गिरे हैं, तो वहीं तीसरी ओर लोगों के घरों में पानी भी भर गया है। दमोह शहर में व्यापारियों की दुकानों में पानी भरने से वह परेशान नजर आए। तेज़ बारिश की वजह से कहीं ना कहीं परेशानियाँ लोगों की बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कि दमोह के घंटाघर अस्पताल चौक के समीप किस तरह से पानी भरा, कहीं होर्डिंग गिर गया है तो कहीं पानी भरा हुआ है। दमोह नगर पालिका टाउन हॉल में भी स्थिति यही थी। व्यापारियों की दुकानों के सामने पानी भरा हुआ है। व्यापारी परेशान नजर आए। जराशी बारिश के बाद ये हाल है। सोचिए आप बारिश के मौसम में क्या हाल होने वाला है, इसका अंदाज़ा अभी से लगाया जा सकता है। दमोह शहर का घंटाघर हो या फिर नगर पालिका टाउन हॉल, जगह जगह पानी भरने की शिकायतें आई हैं। शहर के अधिकांश वार्डों में पानी भरने की शिकायतें हैं। लोगों का कहना है कि जैसे ही बारिश हुई और उसके बाद पानी निकासी में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दमोह के शोभा नगर के समीप एक चिरौल का पेड़ एक गरीब परिवार के घर पर जा गिरा, जिससे काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर एक चिरौल का पेड़ लगा हुआ है जो तेज़ आंधी तूफान की वजह से उनके घर पर जा गिरा। उनके पिता घर के अंदर थे, जैसे ही ये पेड़ गिरा तेज आवाज आई। एक पुत्र ने अपने पिता को बचाने के लिए किसी तरह से उन्हें खींच लिया, उनकी जान बाल बाल बच गई, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। किस तरह से संपूर्ण घटनाक्रम हुआ है आइए जानते हैं। दमोह शहर में आंधी तूफान ने कहर बरपाया है। दमोह के शोभा नगर में रहने वाले एक परिवार जो काफी गरीब है, आर्थिक रूप से काफी कमजोर ये परिवार है। इसके परिवार की जो झोपड़ी थी, क्योंकि इसे घर नहीं कहा जा सकता, कच्चा मकान था, इसके ऊपर एक पेड़ गिर गया है, जिसके चलते इनकी गृहस्थी का सामान जो है बर्बाद हो चुका है, काफी नुकसान हुआ है। हाँ, ठेला ये चलाते हैं जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, नीचे जान लेते हैं भैया क्या परेशानी हुई और आज ये क्या हुआ है। सर, अचानक से आंधी आई, तूफान आई, हम तो लेटे थे, अचानक से एकदम तड़कने की आवाज आई और चादर पड़ उड़ी, तो हमने ऐसे सर पे हाथ लगा ले, बच्चा ने हमारे हमें पकड़ के खींचा और दीवार नीचे गिरी और फिर सारा नुकसान तो फिर आप देख ही रहे हो। क्या नाम दिखते हैं? हम राजाराम हैरवाल, कसोरा में हाथ ठेला चलाते हैं, मजदूर हैं। अम्मा, आप भी यहाँ पे थे, कितना नुकसान हुआ क्योंकि गृहस्थी का कुछ हुए, सब कुछ मिट गया है। और जो पेड़ गिरो सो आदमी की जान भी बच गई है और न तो कुटी ने कर रही है ना कछुरे जा स्टार्ट होकर जा सके देते हैं कि स्टील लगो हमें निकलवा सकते हैं नगर पालिका जा वो तो जाओ तो कोई मंगा 10,000 लगे, कोई मंगा 20,000 लगे और 4 साल से नाम है सर। और आज देखो तो आंधी तूफान ऐसी चली है कि हमारे की जान बाल बाल बची है। कितने के नुकसान हुआ है सर? जो कुछ भी है कपड़े लगता जान जान से बड़ो तो कुछ हो ही नहीं सका, जान बची बड़ी मुश्किल से, और जो कुछ तो घर में वो ही सब आप जाके अंदर देख सकते हो। गृहस्थी का सामान बर्बाद हुआ और अब जो खाने बनाने का क्या इंतजाम है? सर, किचन भी टूट गई है पूरी और पूरा घर ही टूट गया है, अब ऐसे में कहाँ जाएंगे हम लोग। क्या प्रशासन से आपकी गुहार है, क्या चाहते हैं? मेरा यही है कि ये पेड़ भी इधर से कटवा दिया जाए और ये मंदिर का गेट है ना वो रोड साइड करवा दे या इधर से अलग करवा दे, क्योंकि हम लोग उस तरफ कुछ भी करते हैं ना तो वो लोग कुछ नहीं करने देते, वो लोग पुलिस लेके आ जाते हैं या अपनी मैडम है ना तहसीलदार मैडम के लिए लेके आ जाते हैं। आज क्या हुआ है? तो हमारे पापा उधर पे सो रहे थे, एकदम से डगार गिरी, हम वहाँ पे लेटे थे तो हमने एकदम पकड़ के पापा को खींचा तो हमें भी हाथ में लग गई थी। क्या नाम दिखते? रोहित अहरवाल। रोहित अहरवाल का ये परिवार है और परिवार के सदस्य काफी परेशान है क्योंकि अब कैसे खाएंगे कैसे बनाएंगे, क्योंकि इनके जो गृहस्थी का जो सामान है वो पूरा बर्बाद हो चुका है।
जमीनी हकीकत यह है कि इनके द्वारा आवास योजना का फॉर्म भरा गया था, आवास योजना का लाभ नहीं मिला, एक पेड़ था पूर्व में भी कटवाने का जो लगातार ये आग्रह करते रहे लेकिन पेड़ को नहीं कटवाया गया, अंततः बड़ी घटना हुई। आज बाल बाल उनके परिवार के एक सदस्य की जान बाज बची है, ऐसे में चाहते हैं प्रशासन से कि उन्हें न्याय दिया जाए, समय पर उनकी आवास की किस्त डाली जाए और जो उनकी गृहस्थी के सामान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी की जाए। देखने लायक होगा अब प्रशासनिक अधिकारी इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। सहयोगी अरविंद चौधरी के साथ संजय सरवरिया, दमोह। जनपद पंचायत दमोह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बड़ियाव के खेल मैदान की बाउंड्री बनाई जा रही थी, मजदूर काम कर रहे थे। बताया जाता है हाई टेंशन लाइन के समीप ही इसका निर्माण कार्य हो रहा है। इसी बीच तेज आंधी तूफान के बीच बारिश शुरू हो गई जिसके बाद मजदूर समीप के एक मकान में जा पहुंचे। अचानक आकाशीय बिजली गिरी जिसके बाद मजदूर घायल हो गए। 9 मजदूर घायल हुए हैं जिन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया है, उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में दाखिल किया गया है। मामले की जानकारी SDM दमोह राजललन बागरी को दी गई जिसके बाद वह भी दमोह जिला अस्पताल पहुंचे, मरीजों से उनका हाल जाना। घटना बेहद ही गंभीर है, 9 मजदूर घायल हुए हैं, घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही, ऐसा जो यहाँ पर मौजूद लोग थे उनके द्वारा कहा गया है। हालांकि एक युवक जो यहाँ पर मजदूरी कर रहा था उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, परिजनों के द्वारा लगातार उसका उपचार कराया जा रहा है। घटना के संबंध में हमने घायल मजदूर रोजगार सहायक एवं SDM दमोह राजललन बागरी से चर्चा की। भैया क्या नाम है आपका? डेलन सिंह लोधी। कहाँ के रहने वाले हो? आप लोग कितने लोग थे, क्या कर रहे थे, क्या हुआ, क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे वो ग्राउंड का, तो पानी गिरा से घर में लुक गए, बिजली गिरी से सबको दमच लगी। कितने लोगों को लगी? 9 लोगों। क्या नाम है? एक का छुट्टन वसोर, भरत सिंह लोधी, रज्जन सिंह लोधी, रमू वसोर और देवेंद्र वसोर, बंसल सोनू, बंसल बीगम सिंह लोधी। काय का काम कर रहे थे आप लोग? ग्राउंड स्टेडियम पंचायत का। कहाँ कर रहे थे काम? काम से हो गए थे वहाँ बड़े के पास एक थोड़ी मैदान। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हो गया है? पास में छोटी दवा खाई, सब स्वास्थ्य ठीक है। कितने लोग घायल हो गए? कहाँ के रहने वाले हैं? 9 लोग। भैया क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। किस पद पे हैं? GRS। क्या काम चल रहा था, क्या हुआ? मैदान की बाउंड्री बन रही है, उनके गाँव में थे तो पानी गिर रहा था, तो एक लोग जाके पास में घर में चुप गए, उस घर पर बिजली। कितने लोग घायल हुए हैं? 8 नॉर्मल है, 8 लोग। सब चल रहा है। काय का काम चल रहा था? खेल मैदान। हाँ हाई टेंशन लाइन भी निकली है नीचे, काम चल रहा था बारिश का मौसम, आकाशीय बिजली गिरने से कुछ लोग घायल हुए हैं। सर क्या काम? बिल्कुल सूचना मिली थी, ग्राम बढ़ाया हुआ है जहाँ पे 8-9 लोग ऐसे थे कि एक जगह एक कमरे में बैठ गए थे, वहाँ पे सामने बिजली गिरी थी और मैंने उनसे बातचीत की, सभी लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, किसी को गंभीर चोट नहीं है, सभी को डॉक्टर्स ने देख लिया है और सभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सर ऐसी जानकारी में आया कि हाई टेंशन तार के नीचे खेल मैदान बना रहे हैं। अब वो मैं दिखवा लेता हूँ, बसरते उन लोगों ने ये कहा कि हम एक घर पे बैठे हुए थे। सर कल CEO मैडम भी इसकी जांच करने गए, वो मैं दिखवा लेता हूँ, एक बार बात करता हूँ। सर उसमें एक नाबालिग भी घायल हुआ है, मजदूर सभी स्वस्थ है, पर नाबालिग काम कर रहा था। जी नाबालिग मजदूर काम कर रहा था, वो मैं चेक करवा लेता हूँ, मैं चेक करवा। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।